अस्सलामुअलैकुम जी, एक नए दिन एक नया एपिसोड के साथ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज के इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं बहुत ही मज़े की बातें लोगों से, क्योंकि हम उनसे पूछेंगे कुछ पहेलियाँ, कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे और इसके अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। पता तो लगे कि लाहौरियों का नॉलेज कैसा है और टैलेंट भी हम हंट करेंगे, हम देखेंगे कि टैलेंट्स क्या हैं। तो आइए हम चलते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? नुमान शेख। नुमान, अच्छा इन सब बच्चों के नाम भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है। अच्छा है। चलें फिर आपसे मैं एक क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसको हम खाते तो सब्ज़ी समझ कर हैं लेकिन वो असल में फल है? आई थिंक टमाटर। नो, टमाटर पानी फल। टमाटर जो पानी फल होता है। पानी फल उसको हम फल समझ के खाते हैं। मैंने कहा है कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसको हम सब्ज़ी समझते हैं लेकिन असल में वो फल है। नहीं आ रहा। चलें फिर सोच लें अभी भी। नहीं, माइंड में नहीं आ रहा। क्या पता आ जाए माइंड में। माइंड कहाँ गया हुआ है आप? ऑफिस से आया हूँ फिलहाल, तो नींद आ रही है। नींद आ रही है। अच्छा गाना गा लेते हैं? नहीं, गाना ये गाना नहीं गाते। चले बच्चे से सुन लेंगे। अच्छा बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरे से निकल से ले रहे। अच्छा आप नाम भी नहीं बताओगे पहले? नाम तो बताओ ना। हानिया था। हानिया, आपका नाम? हरीम। अब्दुल्ला। हसनात। चलो अब आप मुझे सब बताओ, आप क्या क्या शेयर करोगे? आप क्या शेयर करोगे? सॉन्ग। ठीक है, ज़बरदस्त। दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की सच्ची लगन, सीधा रास्ता वतन, खाई है ये कसम, खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सदी, है वतन है खुदा। दिल दिल की आवाज़, दिल दिल की आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़बरदस्त। अच्छा आप क्या शेयर करोगे? पोइम। आलू का चालू मियाँ कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, टमाटर ने टांग मारी रो रहे थे, मम्मी ने पैसे दिए नाच रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। इससे अच्छा नहीं, मैंने तो पहले आपसे सुना। दूर से जो देखा अंडे उबल रहे थे, वाह 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 वाह। दूर से जो देखा अंडे उबल रहे थे, वहाँ जाके देखा तो टिंडे उबल रहे थे। आहा, ऐसे तो नहीं मैंने, आप आपके सिर्फ कैमरे में आने के लिए खड़े हुए थे क्या? ट्विंकल वाली एज नहीं है आपकी, आप इतने छोटे। क्या बताइए? नूडल्स बनाता है। नूडल्स बना के खिलाता है आपको, तो आप इससे क्यों खाती हैं? आप खुद सीख लें बनाना। मम्मा मुझे नहीं आग में जाने देती। पहले पानी, फ्री पान में गर्म करें, उसमें नूडल्स डालें, मसाला डालें और बस तैयार है। इतना पता है कौन? 5 मिनट लगते हैं पकने में। 5 मिनट, ये तो इन्होंने बताया ही नहीं है कैसे नूडल्स बना देते हैं, आपको खिला देते हैं। अच्छा आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी। बच्चे आप लोग भी सुन लो, अगर आप में से कोई कर सकता है तो वो करके दिखा सकता है, ठीक है? भाटी गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, टक्साली गेट, इसको आपने बोलते जाना है, बोलते जाना है। भाटी गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, टक्साली गेट। भाटी गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, टक्साली गेट। भाटी गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, टक्साली गेट। भाटी गेट, लोहारी गेट, टक्साली गेट, कश्मीरी गेट। भाटी गेट, भाटी गेट, टक्साली गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट। भाटी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, टक्साली गेट। अच्छा आप सबको अलीफ भी आती है पूरी? किसको आती है? आप सुनाओ। अलीफ बे से, से अलीफ बे के बाद से अलीफ बे ते
से आगे नहीं आती। बस भूल गई। ओह माय गॉड, नो एबीसी तो सभी को आती है, मुझे अलिफ पे सुननी है। मुझे आती नहीं आती एबीसी। आप सुनाओ अलिफ पे। अलिफ 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 मंदा बे पे से जीम चे। बे पे नहीं कहना, पे सभी मिस कर रहे हैं। अलिफ अलिफ मंदा बे पे ते से टे जीम चे हे दा हे खे दाल जाल रे जे शीन सीन द्वाद द्वाद तोएं जोएं आइन आइन गाइन लाम काफ लाम लाम मीम मीम नून नून हमजा। दो मिनट बुला दी। मैंने बता भी दिया तुम्हारे कारण। अच्छा ये आप तो हार गए, आप भूल गए। चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे पता लगा आपको तो अलिफ़ भी ठीक से नहीं आती, लेकिन इस बच्चे ने ठीक सुनाई है तकरीबन, और आपने इसको तंग किया है इसलिए आपके मार्क्स कट गए हैं सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नबीशा जावेद। नबीशा नाम भी मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है अपनी लाइफ में। आप मुझे बताओ कि नबीशा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी साफ़ कुएँ का पानी जिससे वज़ू किया जाए। ज़बरदस्त, किसी साफ़ कुएँ का पानी, बेसिकली आपका नाम का मतलब पानी है, साफ पानी। अच्छा नबीशा, आप मुझे बताओ कि लोग इतने यूनिक नेम्स क्यों ढूंढते हैं रखने के लिए? सिंपल नाम से काम क्यों नहीं चलता? यूनिक नाम होना चाहिए ना इंसान का। अच्छा यूनिक, उससे क्या फ़ायदा होता है? आहा, जैसे मैं ईमेल है वो मेरी सिंपल ईमेल है, यानी कि मुझे किसी सात नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कभी किसी ने इंटरनेट पर सर्च करना हो तो सिर्फ मेरा ही नाम है। ठीक है, जैसे कि जो कॉमन नेम्स होते हैं उनमें फिर ये ईमेल के लिए भी चले। एक फैक्ट तो, एक सही वाला फैक्ट इन्होंने बता दिया कि इंटरनेट पे सर्च करने में बड़ा फ़ायदा हो जाता है इस तरह के नाम। अच्छा नबीशा, आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या है? मैं गाना गा सकती हूँ, कुकिंग कर सकती हूँ। अरे वाह, सिंगर हैं हमारे साथ इसके अलावा। और कुकिंग भी कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं गेम्स खेलती हूँ, और बस और बस यही काफ़ी है। अच्छा नबीशा, तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, जो कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लाहौर के हैं तो आपको पता होना चाहिए मीनारे पाकिस्तान की लंबाई कितनी है? ऊंचाई, लंबाई कहाँ होगी, ऊंचाई कितनी है मीनारे पाकिस्तान? 200 feet। करीब है 210, 200, 230। करीब हैं बस 230 या 200। नहीं। अच्छा तो नबीशा, फीट? यस फीट। हाँ जी, 200 नहीं है, 230 भी नहीं है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। 250? नौ 270। अच्छा बस, इससे पहले कि हम आंसर की तरफ जाएं, मैं आपको ठीक आंसर नहीं देने दूंगी, आप एक गाना सुना दें। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लब दी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां, माही मैं तेनू समझां की तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल मैं लाइयां अखियां। बहुत बहुत प्यारी आवाज़ लगी है आपकी, इस तरह जुल्म मत करे मेरे देखने वालों पे। वो आपका गाना मज़ीद सुनना चाहते हैं, कोई और गाना सुना दें अगर आपको आता है, और जो आपको थोड़ा ज़्यादा आता है। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिशे करम मेहरबानियाँ, ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं। सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ। अब आपसे हम पूछेंगे एक रेसिपी, लेकिन उससे पहले आपसे करवाएंगे एक टंग ट्विस्टर, और टंग ट्विस्टर ये है लाहौरी गेट, भाटी गेट, कश्मीरी गेट, टकसाली गेट, इसको आपने बोलते रहना है।
जब तक मैं ना रुक। लाहौरी गेट, भाटी गेट, कश्मीरी गेट और टक्साली गेट। लाहौरी गेट, भाटी गेट, कश्मीरी गेट, 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 टक्साली गेट। सिली गेट करने लगी थी। लाहौरी गेट, भाटी भाटी गेट। नहीं, मुझसे नहीं होगा अभी। कह रही नहीं होगा, आप ठीक कर रही थी। आप थोड़ा सा और बोल के दिखाएं। लाहौरी गेट, भाटी गेट, कश्मीरी गेट, टक्साली गेट। लाहौरी गेट, भाटी गेट, कश्मीरी गेट, टक्साली गेट। लाहौरी गेट, भाटी गेट, कश्मीरी गेट, टक्साली गेट। लाहौरी गेट, भाटी गेट, कश्मीरी गेट। चले जी, अब आप एक रेसिपी शेयर करने वाली थी, क्योंकि आपने कहा कि आपका टैलेंट है, आप खाना बहुत अच्छा पका लेती हैं, तो ज़रूर हमें इनका देखना चाहिए कि ये खाना कैसा बनाती है। मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कंडेंस मिल्क से कैरमेल किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने स्टोव के ऊपर कंडेंस मिल्क को रखना है और उसके बाद उसको 30 सेकेंड के लिए या 1 मिनट के लिए स्टिर करना है और उसके बाद स्टोव से उतार देना है। और फिर 1 मिनट के बाद आपने दोबारा कंडेंस मिल्क रखना है और उसको स्टिर करते रहना है, और जब तक वो अच्छे तरीके से कैरमेल की शेप में ना आ जाए आपने उसको स्टिर करते रहना है। और फिर 30 सेकेंड के लिए आप लोगों ने उसको ठंडा होने के लिए रख देना है और उसके बाद वो फुल कैरमेल की शेप में आ जाएगा। ये रेसिपी रेयर है, ये कम ही लोगों को पता होती है। अच्छा, रेयर रेसिपी है, मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगी, और जो लोग देखने वाले हैं उनसे भी मैं कहूँगी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर इनको दुआएं भी दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। ऑफिस व्यूअर्स, लोगों के साथ चिट चैट का गपशप का सिलसिला जारी है। उम्मीद है आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, तो फिर कहीं मत जाइएगा, हम आने वाले हैं एक ब्रेक के बाद। दहलीज़ पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, उसने बेमहर अब भी कुछ लोग हैं तेरी याद में चुपचाप पिघलने के लिए। आप क्या समझती हैं क्या होना चाहिए? जाहिर बात है होनी तो है, अब इसमें मना तो कर नहीं सकती। अच्छा, बाकी चीज़ों का मना कर देना, इस चीज़ का नहीं करना है। नहीं, वो ऐसे पर अब्बू थप्पड़ ही मारेंगे बेटा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मजीद लोगों की तरफ चलते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई कितनी है, देखते हैं कि कितने लाहौरी इसका आंसर कर पाते हैं। मीनार पाकिस्तान जाते तो बहुत हैं, आज ही पता लग जाएगा। आइए। ढूंढे ना मिला हमको लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन अमान। हसन, आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या है? अभी तक नहीं पता। अभी तक नहीं पता, कब तक पता चल जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी छोटा हूँ। थोड़ा बड़ा होना है, कितना अभी क्या एज है आप? अभी मेरी 18। 18 है, तो ये 18 एज काफ़ी होती है। पता नहीं, चीज़ें बड़ी पता लग जाती हैं। नहीं, अभी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा सारा। अच्छा, आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? मैं यकीन बहुत जल्दी काट लेता हूँ। अच्छा, ये अच्छी आदत है? हाँ। अच्छा, ये अच्छी आदत नहीं है। मुझे नहीं लगता आपको किसी पर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई कितनी है? ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। लाहौरी हो आप यकीनन? जी लाहौरी। अब ये ना समझना क्वेश्चन पूछ लिया तो अपना शहर ही चेंज कर दो। मीनार पाकिस्तान की ऊंचाई कितनी है? पता नहीं, मैं कभी देखी नहीं, कभी गए नहीं। ये शुक्र है ये नहीं कह दिया कभी गए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता आप मीनार पाकिस्तान आ गए। गया हूँ। कितनी दफ़ा गए हो? अक्सर कॉलेज से बंक करके उधर चले। कॉलेज से बंक करके आप वहाँ जाते हो, क्यों? वैसे ही बंक क्यों करते हैं लड़के? वैसे जब दिल ना करे कॉलेज जाने का तो बंक कर लेते। अच्छा, बंक करने पे कभी टीचर को पता नहीं लगा कि आप कॉलेज बंक करके, या आपके पेरेंट्स को नहीं पता लगता? नहीं, वो CR मेरी अटेंडेंस लगा देता। अरे वाह, दोस्तियाँ चेक करें जरा। आपसे एक गाना सुन लेते हैं, ठीक है? जी जी, सुन लें। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ, सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना। हाँ, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना। ना सीखा जीना तेरे बिना,
हमदम। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिब्बा। हिब्बा, हिब्बा आप मुझे ये बताओ कि क्या करते हो आप? मैं स्टडी करती हूँ, अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स से फारिग। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम से फारिग हो गए हैं, क्या बनने का प्लान है आपका? बी एस आई टी करनी है इंशाल्लाह। बी एस आई टी इंशाल्लाह। उसके बाद? उसके बाद शादी। यही होता है भाई, शादी के नाम पे ब्लश ब्लश। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात क्यों नहीं है? नहीं, वो दरअसल सारी फैमिलीज यही होता है ना, पढ़ा दी और फिर शादी कर देती है। आप क्या समझती हैं क्या होना चाहिए? जाहिर बात है होनी तो है, इसमें मना तो कर नहीं सकती। अच्छा, बाकी चीज़ों का मना कर देना, इस चीज़ का नहीं करना है। नहीं, वो ऐसे पर अबू थप्पड़ ही मारेंगे बेटा। अच्छा, और आप मुझे ये बताओ कि कैसा लड़का पसंद है आपको? क्या लगता है लड़कों में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? केयरिंग होना चाहिए। केयरिंग होना चाहिए और होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। जब आप तो सब हो जाएगा। अच्छा, ये सब होगा तो बिल्कुल ठीक, आपने बात की ये सब होगा तो अच्छा। कई लोगों के लिए ना लुक्स भी बहुत मैटर करती हैं कि दिखना बहुत अच्छा चाहिए, हमारा दूल्हा ऐसा होना चाहिए जो दुनिया से सबसे अलग लगे। अलग तो नहीं कह सकती, पागल रिटार्डेड नहीं। नहीं नहीं, सूरत नहीं लेकिन सीरत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, सूरत नहीं, देख लो लड़कों सुन लो, लड़कियां सीरत पे मरती हैं। अच्छा जी, तो हिबा आप मुझे ये बताओ कि मीनारे पाकिस्तान की ऊंचाई कितनी है? ज्योग्राफी मेरी हिस्ट्री भी बहुत वीक है, चले आपने पूछा तो मैं सोचती हूँ 300 feet। नो 300 feet, नो 350। नहीं जी, अब आप तुक्के मत लगाए जाए। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको हम समझते हैं सब्जी खा के, मतलब कि सब्जी समझकर खाते हैं लेकिन असल में वो सब्जी नहीं होती बल्कि वो एक फल है, ऐसी कौन सी सब्जी है? मुझे लगता है मैंने बहुत ही मुश्किल करके पूछ लिया। अच्छा, सिंपल अल्फाज में कि हम एक सब्जी को सब्जी समझ के खाते हैं, असल में वो फल है, कौन सा है? क्या हो सकता है, ऐसी भी कोई चीज़ होती है? ऐसी है, लाइक सब्जी ही है जिसे हम सब्जी समझते हैं, असल में वो फल है। टोमेटो? नो। कद्दू? बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने, क्लैपिंग करें आप अपने लिए। अच्छा तो हिबा आप क्या शेयर करोगे, टैलेंट्स क्या हैं आपने? बेकिंग करती हूँ, केक अच्छा बेकिंग करती हूँ। अरे वाओ, तो देन आप फिर केक की रेसिपी शेयर कर दें। ठीक है, सबसे पहले पकड़ लेती हूँ। जी सबसे पहले एक कप चीनी शुगर ग्राइंड करें क्रश, और एक कप मैदा, हाफ कप ऑयल, 1 tablespoon बेकिंग पाउडर, और पिंच ऑफ सॉल्ट, और 2 eggs, और फिर उसके बाद 1/2 tablespoon वनीला एसेंस, उन सबको अच्छी तरह बीट कर लें, और फिर पैन में मैं उसमें बनाती हूँ। ओवन नहीं है, कुकर में ही बन सकता है। अच्छा, और तो देश के में भी यहाँ से ये पता लगा जिनके पास अगर ओवन नहीं है घर में वो पैन में और कुकर में इस तरह से बना सकते हैं। वाह, ओल्ड स्कूल। हाँ जी, तो पैन में आप केक का बैटर डाल के पहले 5 मिनट्स के लिए अपने जो आपने देश का लिया है उसको हीट कर लें, फिर उसके ऊपर आप स्टैंड रखें कोई, ठीक, और फिर उस पर अपना पैन रख दें, और 45 मिनट्स के बाद केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बहुत अच्छा बनता है। हाँ जी, बस हो गई। हाँ जी, ठीक है, छोटी सी थी ये, जो छोटी छोटी रेसिपीज होती है ना ये दिखने में बड़ी छोटी लगती हैं लेकिन बनाते हुए लग पता जाता है। एक दफ़ा मैंने भी एक मीठा ट्राई किया था और मुझे बहुत सिंपल सा लगा लेकिन वो बहुत मुश्किल था और मैं ठीक से नहीं बना सकी। फिर आप मुझे बताओ कि आप मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को, आपको लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है, ऐसा ऐसी चीज़ जो लोगों को नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उन चीज़ों से? डबल फेस। डबल फेस, जैसे जैसे कि मुंह पे बहुत अच्छे और पीठ पीछे इतने बुरे होते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपसे आपकी एक अच्छाई पूछूँ? अपनी तारीफ करते हुए अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है, आप में अगर कोई खूबी है तो आपको बतानी चाहिए? वो तो फिर अपनी खूबी तो मैं कहूँगी मैं हूँ ही परफेक्ट। नहीं नहीं, बता देती हूँ कोई। ये कुछ ज़्यादा हो गया। हिबा से मैंने कहा एक बताओ, एक नहीं उसने बताई, उसने सारी बता दी। सारी पता नहीं क्योंकि कभी किसने कहा ही नहीं तुम में कोई खूबी है। हाँ, कभी किसने नहीं कहा। अच्छा, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी हैं और यही आपकी खूबी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमीना मजीद। अमीना मजीद। अमीना मजीद इज़ योर नेम।
ओके बच्चे, आपका नाम क्या है? मुहीब साजिद। क्या? मुहीब साजिद। मुहीब साजिद। आप मुहीब मुहीब क्यों कहते हो? मुहीब कहो। मुहीब। क्या है आपका नाम? मुहीब साजिद। हाँ जी, ये हुआ ना मुहीब साजिद। इतनी तेज़ी में नहीं बोलना। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसको हम सब्ज़ी समझकर खाते हैं लेकिन असल में वो फल है? टमाटर। टमाटर को तो हम सब्ज़ी समझ के खाते हैं लेकिन वो है फल वैसे। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा कुछ जहन में नहीं आ रहा। टमाटर का ही मतलब पता है ज़्यादा तो कि वो फल होता है लेकिन सब्जी समझ। पांच रंगों वाला समंदर किस मुल्क में है? आप ऐसे कभी सोच सकती हैं कि एक समंदर है और उसके पांच रंग हैं? अब आप सर्च करेंगी घर जाके, है ना? ज़रूर। सर्च करने वाली चीज़ है, देख ले। ये बड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ है, बड़ी एक अमेजिंग सी चीज़ है, एक हैरान कर देने वाली चीज़ है कि एक समंदर है उसके पांच रंग हैं, है ना जी? आपको पता ही नहीं है? हाँ जी, मुझे नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, आप शेर क्या करेंगे? आप में टैलेंट्स क्या हैं? मैं शेर सुना सकती हूँ। ज़बरदस्त। हुस्ने बेमहर अब भी कुछ लोग हैं तेरी याद में चुपचाप पिघलने के लिए, तुमको आया ही नहीं तब्दील ये मौसम का ख्याल, वरना हालात तो होते हैं बदलने के लिए। ज़िंदगी भर की रियासत माकूस नहीं, एक लम्हा ही काफ़ी है बदलने के लिए। एक लम्हा ही काफ़ी है बदलने के लिए, देख लीजिए एक लम्हा काफ़ी होता है। तो ऐसा कुछ मत करिए कि जिससे कोई चेंज हो जाए, किसी का दिल मत तोड़िए। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप रेसिपी शेयर करेंगी? कोई खाना बना लेती हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मदर हो और खाना ना बना सके। सब कुछ आता है बनाना। सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? फ्राई चिकन की रेसिपी बताऊं? ठीक है। आप ना चिकन को ले लें और उसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दें और उसमें काली मिर्ची और नमक डाल के ना उसे थोड़ा सा उबाल लें। जब वो हल्का सा उबल जाए ना तो उसे निकाल लें, उसे ठंडा कर लें और हो सके तो उसे वॉश भी कर लें एक दफ़ा ना, और उसे खुश्क होने के लिए रख दें। उसके बाद आप लोग फ्राई चिकन का मसाला भी ले सकते हैं जो बाज़ार में है, वरना आप उसके अंदर मैदा या बेसन वगैरह भी लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं। उसके अंदर मिर्च मसाले डाल दें। अगर आप मसाला ले रहे हैं तो उसमें तो पहले ही होती हैं सारी चीज़ें, और अगर आप घर में बना रहे हैं तो उसमें मैदा और बेसन और इस तरह मतलब सूखा हरा धनिया, काली मिर्चें, ला सुर्ख मिर्चें, नमक वगैरह ऐड करके और उसको डिप करके रख दें थोड़ी देर मतलब, और उसके बाद उसे फ्राई करें। उस पर क्रम्स भी लगा सकते हैं आप, और इस तरह बड़ा अच्छा वो बन जाता है बच्चों के लिए घर में स्नैक। अच्छा, मुझे लगता है कि आवाज़ बहुत प्यारी है, आप गाना गा लेती हैं? जी, बस देख लेना, पता लग गया मुझे। अच्छा मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान का कौन सा गाना सुनाएंगी? याद साथ है। ठीक है, तेरी याद साथ है। क्या बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। तेरी याद साथ है, बस याद साथ है। बस इतना सा गाना था आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह हाफिज़। कच्ची डोरियों 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 में मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 से होंदे ना फासले। मेरे ख्यालों पे चाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना कोको कोरीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुकद्दस। मुकद्दस, क्या करती हैं आप? स्टडी। स्टडी कर रहे हो। अच्छा मुकद्दस, आपसे क्वेश्चन करती हूँ। आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसको हम सब्ज़ी समझ कर खाते हैं लेकिन असल में वो फल है?
नहीं पता, नहीं पता, पक्का सोच ले। एक मिनट, क्या सब्जी है? और ऐसी सब्जी जिसको हम सब्जी समझ के खाते हैं लेकिन असल में वो फल है। असल में वो फल है? पम्पकिन। पम्पकिन, यस। उर्दू में उसे क्या कहते हैं भला? ये भी तो पता लगी ना, इधर उधर से पूछ गया कर। बिल्कुल ठीक आंसर के। क्लैपिंग करिए आप अपने लिए मुकद्दस। अच्छा मुकद्दस, आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? मैं सिंगिंग कर लेती हूँ, नॉवेल्स पढ़ती हूँ, एंड आई एम गुड इन स्टडीज एज वेल। अच्छा, आप गुड इन स्टडीज हैं, इतना कुछ एक साथ कैसे? बस पैशन है। पैशन है। अच्छा मुकद्दस, आप मुझे ये बताओ कि आपको लोगों की सबसे बुरी बात क्या लगती है, जो लाइक आप बर्दाश्त नहीं कर सकते इस चीज़ को किसी में, अगर वो है? लोगों की सबसे बुरी बात ये है कि मतलब आप जब उनके सामने हैं तो वो आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन जब आप चले जाएंगे तो वो आपकी बुराई शुरू कर देंगे कि फेस लोग। या हाँ, ये पहले भी किसी ने मुझे कहा कि हमें दोहरी शक्ल के लोग नहीं पसंद, डबल फेस्ड पीपल, जो आप अंदर से हो आपको ऊपर से भी वैसे ही दिखना चाहिए। ठीक है। अच्छा तो मुकद्दस, आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ। टंग ट्विस्टर ये है, भाटी गेट, लोहारी गेट, टेक्साली गेट, कश्मीरी गेट, इसको आपने बोला है 5 दफ़ा। भाटी गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, टेक्साली गेट। टेक्साली, कश्मीरी गेट, भाटी गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, टेक्साली 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 गेट। मुकद्दस, अपनी लाइफ का कोई बहुत फ़नी वाक्य शेयर करोगे? फ़नी वाक्य नहीं करोगे? ठीक है, तो फिर आप गाना सुना। गाना, कच्ची डोरियों 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 में मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में बांधे नाम फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला है, करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बता निभा के। थैंक यू। जबरदस्त, बहुत अच्छा गाया है मुकद्दस आपने, आपसे बात करके अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरीज इदरीस। मरीज, अरीज, अरीज, अरीज तो मैंने सुना है, बहुत दफ़ा सुना है। अरीज, आप मुझे ये बताओ कि क्या करते हो आप? मैं मैस कॉम कर रही हूँ। मैस कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैस कॉम के बाद क्या करने का इरादा है आपका? मैस कॉम के बाद न्यूज़ एंकर बनने का इरादा है, प्रोग्राम होस्ट बनने का इरादा है। प्रोग्राम होस्ट बनने का इरादा? जी। यही इरादे क्यों होते हैं जो मैस कम्युनिकेशन में आते हैं? हम मैस कॉम आते ही इसलिए बेसिकली। अच्छा, आते ही इसलिए है, ठीक है। फिर उसके लिए आपको एक एंकर बनने का शौक है, आपको होस्ट बनने का शौक है, तो उसके लिए आपने कभी मेहनत की है? मेहनत की है मैंने। क्या मेहनत की है? एक यूट्यूब चैनल पे भी काम किया है एज अ होस्ट, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछते थे APN9 डिजिटल पे, तो मेरे भी आपकी तरह एक शो था, तो अभी अच्छा। मैंने छोड़ दिया है जस्ट बिकॉज मेरे पेपर्स थे, तो इस वजह से। ठीक है, चलें फिर आप हमें एक प्रोग्राम का इंट्रो देकर दिखाएं। अच्छा, इंट्रो दूँ? जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अरीज इदरीस, आई हूं अपने शो वॉकी टॉकीज के साथ, और आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं वही करती थी तो इसलिए APN9। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं सिटी 42 कह देती हूँ। चलें ठीक है, आपसे ना मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा समंदर है जिसके 5 रंग हैं? मेरी कॉमन सेंस वीक है, मैं कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछती जरूरी कॉमन सेंस। अच्छा चलें फिर, कॉमन सेंस का मुझे बताएं, ऐसा कौन सा हाथ है जो काम नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा हाथ है जो काम नहीं कर सकता? हाँ। ये भी वीक है कॉमन सेंस। ये भी वीक है आपका? ठीक क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग क्या है? मेरा
मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कुछ नहीं, बस रट्टे लगा के पास होते हो, क्योंकि जाहिर है सब्जेक्ट थ्योरेटिकल स्टडी की ज़रूरत ही नहीं है आपको एंकर बनने के लिए, आपको तो दूसरी चीज़ें चाहिए, आपको बोलना अच्छा आना चाहिए, आपको दिखना अच्छा आना चाहिए। न्यूज़ तो हमने प्रॉम्प्टर से ही देख के पढ़नी होती है, हाँ। सामने लिखी होती है वो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर मोमेंट पे मैं आपको बताती चलूँ, हाँ, कभी ऐसा भी हो जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ और इसके अलावा प्रॉम्प्टर भी उड़ जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज़ भी हो जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में ये होता है ना कि कॉमन सेंस के क्वेश्चंस नहीं होते। अच्छा चलें आपसे ना अब एक टैलेंट आपका पूछ लेते हैं, आप में टैलेंट्स क्या हैं आप ये बताएं। मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं सिंगिंग, होस्टिंग, रिपोर्टिंग, न्यूज़ एंकरिंग, मैंने सब कुछ किया। चलें फिर अभी तो फ़िलहाल हमारा शो ऐसा है कि अभी हम आपसे गाना सुनना चाहेंगे। अच्छा चलें मैं आपको सुना देती हूँ। हो झील सी गहरी आंखें हैं, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती हैं जिस पे पहरा। हो पूछो रे मुझसे दुनिया भर में कौन है साहसी, मेरे ख्यालों पे चाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। को करीना को करीना, थैंक यू, वेलकम जी। अच्छा जी अरीज, आपको भी हम जाने नहीं देंगे, आपसे हम करवाएंगे एक टंग ट्विस्टर, और टंग ट्विस्टर ये है भाटी गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, टक्साली गेट, इसको आपने बोलना है 5 दफ़ा विदाउट एनी पॉज। भाटी गेट, कश्मीरी गेट, लोहारी गेट और टक्साली। भाटी गेट, कश्मीरी गेट, लोहारी गेट और टक्साली गेट। भाटी गेट, कश्मीरी गेट, टक्साली गेट, लोहारी गेट। भाटी गेट, लोहारी गेट, टक्सीली गेट, टक्सीली गेट, लोहारी गेट, कुछ टक्सीली गेट। अच्छा ये लाहौरी है और इन्होंने एक नया गेट बना दिया है लाहौर का, टक्सीली गेट। अब से हमने भी टक्साली गेट को टक्सीली गेट कहना है। आपने जो पिछला बोला था सब कैंसल, शुरू से। भाटी, लाहौरी और क्या था? भाटी गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, टक्साली गेट। भाटी गेट, भाटी गेट, लाहौरी गेट, मुझे दूसरे भूल गए। क्या था लो? आपको भी मैंने कंफ्यूज कर दी। चले अब बोले, मुझे नहीं पता क्या था। अच्छा मैं कोई और टंग ट्विस्टर बोल देती हूँ। ना 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 ना, यही करना पड़ेगा। लोहारी, लोहारी, टक्साली, लोहारी होता है ना, टक्साली और कश्मीरी। भाटी गेट, लोहारी गेट, टक्साली गेट और कश्मीरी गेट। भाटी गेट, लोहारी गेट, टक्साली गेट, कश्मीरी गेट। भाटी गेट, लोहारी गेट, टक्साली गेट, कश्मीरी गेट। भाटी गेट, लोहारी गेट, टक्साली गेट, कश्मीरी गेट। भाटी गेट, लोहारी गेट, कश्मीरी गेट, टक्सीली गेट। फिर से टक्सीली आ गया, इट मीन्स के टक्साली नहीं है, टक्सीली। ठीक है, बहुत शुक्रिया टक्सीली के साथ ही आपको देते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? लीना। अलीना, आप मुझे ये बताएं कि ऐसे एक पहेली है, ठीक है, पहेली पूछ लूँ आपसे? पूछ लूँ। दिमाग काम कर रहा है आपका? ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी। ज़्यादा क्यों नहीं काम कर रहा आपका दिमाग? शॉपिंग की तरफ ज़्यादा इस टाइम चल रहा है। शॉपिंग अभी मेरी तरफ नहीं है आपका दिमाग? नहीं, आप पूछ के देखें, मैं भी चल पड़े। अच्छा पहेली ये है, ऐसा कौन सा हाथ है जिससे कुछ किया ही नहीं जा सकता? ऐसा कौन सा हाथ है? कुछ आइडिया दें। अच्छा कोई ऐसा हाथ है जिससे काम नहीं किया जा सकता? नो, ये हिंट दे देती हूँ, ये असल वाला हाथ नहीं है, क्योंकि ये वाले हाथ से काम किया जा सकता है, लेकिन वो हाथ आप कहीं रख भी देते हो तो उससे कुछ नहीं हो सकता, उससे कोई काम नहीं हो सकता। नहीं आ रहा। दिमाग ना यूज़ करें, रिलैक्स हो जाए। आप गाना सुना दें हमें। गाना सुना दो। कच्ची डोरियों, डोरियों, डोरियों से होंदे ना फासले, पक्की यारियों, यारियों, यारियों से होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। अच्छा अब आपसे मैं एक टंग ट्विस्टर करवाऊंगी, कुछ अल्फाज बोलूंगी, आपने उन अल्फाज को
5 दफ़ा रिपीट करना है। भाटी गेट, लोहारी गेट, टक्साली गेट, कश्मीरी गेट। भाटी गेट, लोहारी गेट, भाटी गेट, लोहारी गेट, टक्साली गेट, कश्मीरी गेट। भाटी के लोहारी गेट, अक्साली 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 गेट, कश्मीरी गेट। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इन्जॉय किया होगा। मैंने तो खूब इन्जॉय किया है। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताती चलूँ, और क्वेश्चन का आंसर सबसे पहला कि ऐसा कौन सा दरिया है जिसके 5 रंग है, यानी कि 5 रंगों वाला दरिया कौन सा है, कहाँ पर है, उसे लिक्विड रेनबो भी कहते हैं उस दरिया का नाम, यानी कि ये भी है, और वो कोलंबिया में है, और मीनार पाकिस्तान की लंबाई है, ऊंचाई है 230 फीट, और ऐसा कौन सा हाथ है जिससे कोई काम नहीं हो सकता, अगर वो आपने हाथ कहीं रखा है तो वो खुद ब खुद कोई काम नहीं कर सकता, वो है ग्लव्स। ग्लव्स भी तो देखने में हाथ ही लगते हैं ना। और ऐसी कौन सी सब्ज़ी है जिसको हम समझते तो सब्ज़ी हैं और सब्जी समझ कर खाते हैं, असल में वो फल है, वो है कद्दू। तो ये सवाल के जवाब आते हैं। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।